हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं एंड दिस इज़ फॉर ओपन चेन कंपाउंड्स, है ना। तो ओपन चेन कंपाउंड्स के लिए ही हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ये होता क्या है और ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते क्या है। तो देखिए, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। जैसे हमने कोई ऐसा मॉलिक्यूल लिया जिसमें ये दोनों एटम तो हैं कार्बन्स, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इधर भी तीन के तीन एटम हाइड्रोजन है। तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हमने बनाया है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन मॉलिक्यूल। इथेन के मॉलिक्यूल का ये स्ट्रक्चर है। अब देखिए, इथेन में जो ये कार्बन आपने देखा, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सिमिलरली दिस पर्टिकुलर कार्बन इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज। अब हो कुछ ऐसा रहा है, इस कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इस कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके बीच में सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है, एक्चुअल में इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होता है। मतलब क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब ओवरलैपिंग काफ़ी यूनिफॉर्म होती है, जिस कारण अगर तुम इस सिंगल बॉन्ड को रोटेट करना शुरू कर दो, ऐसे रोटेशन चालू कर दो, हल्का सा रोटेट करो, तो उससे क्या होगा, एक नई फॉर्म बनेगी। वो नई फॉर्म में ये जो एच है वो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पहुँच जाएगा। ये जो एच आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा घूम के यहाँ पहुँच जाएगा, और ये जो एच आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा घूम के यहाँ पहुँच जाएगा। इस तरीके से, जैसे इस पर्टिकुलर केस में हमने एच को थोड़ा सा स्लाइटली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन किया, है ना। अब ये इस पर्टिकुलर कंपाउंड की एक नई फॉर्म आई। इस तरह की, खुद ही सोचिए कितनी फॉर्म पॉसिबल है। इस तरह की इनफाइनाइट फॉर्म्स पॉसिबल होती हैं सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन करने से। अगर मैं यहाँ पे एच को 1 डिग्री से रोटेट करूँ तो एक और फॉर्म आएगी, 3 से तो एक और फॉर्म आएगी, 4 से करूँ तो एक और फॉर्म आएगी। सो बेसिकली सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन करने से जो इन्फाइनाइट फॉर्म्स बनती हैं, उस इन्फाइनाइट फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं? कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। सो व्हाट आर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स? दीज आर द आइसोमेरिक फॉर्म्स विच आर फॉर्म बाय रोटेशन अक्रॉस सिंगल बॉन्ड, है ना। तो ओवरऑल आपने देखा कन्फर्मेशनल आइसोमर्स किसके अक्रॉस बनते हैं? दे आर फॉर्म बाय रोटेशन अक्रॉस सिंगल बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की बात यहाँ पे हो रही है, सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है। अगर यहीं पे सिग्मा बॉन्ड की बजाय पाई बॉन्ड होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऐसा कुछ लिया, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड अलग ही तरह का होता है। यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड है उसके बीच में तो ओवरलैपिंग कुछ ऐसी ही होगी, लेकिन जो पाई बॉन्ड होगा उसमें देखिए ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से होगी। अब अगर मान लो मुझे रोटेशन करना होगा, तो ऐसे केस में अगर मैं रोटेट करूंगा तो यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो पाई बॉन्ड के अंदर रोटेशन फ्री नहीं होता है। पाई बॉन्ड में रोटेशन क्या होती है? रेस्ट्रिक्टेड होती है। और सिग्मा बॉन्ड के अंदर रोटेशन क्या होती है? फ्री होती है। तो जहाँ पे फ्री रोटेशन होगा वहीं पे क्या होगा? रोटेशन होके नई नई फॉर्म्स बनेंगी, और ये नई नई फॉर्म्स क्या होती हैं? इनफाइनाइट फॉर्म्स होती हैं। इन फॉर्म्स को क्या बोलते हैं? कन्फर्मर या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। आइए अब जानते हैं दो एक्सट्रीम फॉर्म्स जो कन्फर्मेशन में हम देखते हैं। तो देखिए, कभी भी हम कन्फर्मर्स ड्रॉ करेंगे तो इस तरह की दो शेप्स, दो फॉर्म्स अपने सामने आएंगी। ये जो पहली शेप आपके सामने है, इस शेप को हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म। इसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म। एक्लिप्स फॉर्म में अगर आप ध्यान दें, जो शेप एग्जैक्टली लेफ्ट साइड में है वही शेप बॉन्ड्स की राइट साइड में होगी, इसको बोलेंगे एक्लिप्स फॉर्म, है ना। अब देखिए, दूसरी जो फॉर्म है, दिस पर्टिकुलर फॉर्म, दिस पर्टिकुलर शेप इज नोन एज स्टैगर्ड फॉर्म और स्टैगर्ड शेप। अगर आप ध्यान दें, यहाँ पे लेफ्ट में जो शेप होगी, राइट में शेप उससे एग्जैक्टली रिवर्स होगी। अगर आप ध्यान दें तो लेफ्ट वाले केस में जो शेप है वो रिवर्स, उल्टा वाई की तरह है, और राइट में जो शेप है वो वाई की तरह है। तो स्टेगर्ड फॉर्म में दोनों तरफ शेप एग्जैक्टली अपोजिट होती है। ये दो एक्सट्रीम फॉर्म्स मिलती हैं जब जब हम रोटेशन करते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इस कार्बन कार्बन के अबाउट रोटेशन करूँगा तो मुझे इस तरह का फॉर्म मिलेगा। तो इन दोनों फॉर्म्स में ज़्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी, ये अपने को देखना है ना। सो विच फॉर्म इज मोर स्टेबल आउट ऑफ एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड? तो देखिए, एक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म में एक्लिप्स्ड
और स्टैगर्ड में, स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स। अब देखते हैं ऐसा क्यों होता है। तो अब नोटिस कीजिए इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स की और चेक करते हैं इनके बीच में रिपल्शंस कैसे कैसे होंगे। तो देखिए ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है यहाँ पे क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो सी एच बॉन्ड है उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है। ये दोनों जो बॉन्ड्स हैं ये क्या है, काफ़ी क्लोज हैं, तो इनके बीच में रिपल्शंस होंगे, है ना। तो ये जो बॉन्ड पेयर है और ये जो बॉन्ड पेयर है इनमें जो रिपल्शन होते हैं, इन रिपल्शंस को हम एक नाम देते हैं टॉर्जनल रिपल्शन। तो टॉर्जनल रिपल्शन किस तरह के रिपल्शन को बोलते हैं, इट इज़ द रिपल्शन कोज ड्यू टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और ये जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी साइज की वजह से जो रिपल्शंस होंगे, इन रिपल्शंस को हम नाम देते हैं स्टेरिक रिपल्शंस बोलते हैं इनको, या पर इनको बोलते हैं वॉन्डर वॉल रिपल्शन। तो क्या बोलते हैं, वॉन्डर वॉल्स रिपल्शन, ठीक है। तो ये रिपल्शंस यहाँ पे एक्लिप्स फॉर्म में ज़्यादा होती हैं, स्टेगर्ड फॉर्म में कम होती है। तो आपने देखा दो तरह की रिपल्शंस होती है, एक होती है टॉर्जनल रिपल्शन और एक होती है स्टेरिक यानी वॉन्डर वॉल रिपल्शन। इस पर्टिकुलर केस में खुद ही सोचिए स्टेरिक रिपल्शन क्या होंगी, रिलेटिवली लेस, बिकॉज हाइड्रोजन का साइज जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, हाइड्रोजन का साइज कम होता है। अब देखिए स्टेगर्ड फॉर्म में ये रिपल्शंस लेस क्यों है, तो अगर आप ध्यान दें ये बॉन्ड पेयर और जो वहां पे सी एच का बॉन्ड पेयर है, इन दोनों दोनों बॉन्ड पेयर के बीच में डिस्टेंस जो है वो क्या है, ज्यादा है। तो डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शंस क्या होंगे, लेस। सिमिलरली हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम के बीच में भी क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो जो स्टेरिक रिपल्शन होंगे वो भी क्या होंगे, लेस। तो आपने देखा एक्लिप्स फॉर्म और स्टेगर्ड फॉर्म में एक्लिप्स इज लेस स्टेबल, क्योंकि उसमें दो तरह के रिपल्शंस होते हैं, एक होता है टॉर्जनल, एक कौन सा होता है, स्टेरिक। अब इसमें टॉर्जनल रिपल्शन और टॉर्जनल और स्टेरिक में टॉर्जनल जो रिपल्शन होता है ये जो होता है इट इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ये लगभग हर मॉलिक्यूल में कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो तो दो ही रहेंगे इन एनी केस, तो रिपल्शंस लगभग सेम रहेंगे। थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से और बॉन्ड लेंथ से, पर इतना सिग्निफिकेंट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो स्टेरिक रिपल्शन होगा, स्टेरिक रिपल्शन विल चेंज, है ना, साइज जितना बढ़ेगा स्टेरिक रिपल्शन विल इंक्रीज। तो स्टेरिक रिपल्शन इज नॉट कॉन्स्टेंट, इट विल इंक्रीज विद साइज, जितना साइज बढ़ेगा उतना रिपल्शन ज़्यादा क्रिएट होंगे, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि कन्फर्मर्स कैसे ड्रॉ करते हैं, हाउ टू ड्रॉ कन्फर्मर्स। तो आपके जो सिलेबस है, आपका जो सिलेबस है उसमें सबसे मेन जो कन्फर्मर्स इंपॉर्टेंट है वो किसके हैं, इथेन के एंड ब्यूटेन के। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं इथेन के कन्फर्मर्स। तो क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द कन्फर्मर्स ऑफ इथेन। तो देखिए ये इथेन का मॉलिक्यूल है, इस इथेन के मॉलिक्यूल में जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है इसके क्रॉस हम रोटेशन करेंगे और रोटेशन कर करके अलग अलग तरह की फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। अब ये कार्बन को नंबर वन मान लेते हैं, इस कार्बन को नंबर टू बना लेते हैं। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे इसके सोहॉर्स फॉर्म में, ये सोहॉर्स प्रोजेक्शन होता है, सोहॉर्स प्रोजेक्शन में ये पहला कार्बन है सी वन है एंड दिस इज द कार्बन नंबर टू, ठीक है। अब यहाँ पे इस कार्बन से तीन एच जुड़े हैं, यहाँ से भी तीन एच जुड़े हैं, और ये मैंने जो फॉर्म बनाई है ये कौन सी फॉर्म बनाई है, आई हैव ड्रॉन एक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इस केस में मुझे इसके कन्फर्मर बनाने हैं। तो देखिए कन्फर्मर ड्रॉ करने के लिए हमें जो प्रोजेक्शन यूज़ करना पड़ता है, दैट प्रोजेक्शन इज न्यूमन प्रोजेक्शन, वी हैव टू यूज़ न्यूमन प्रोजेक्शन। न्यूमन प्रोजेक्शन में जब इसको मैं कन्वर्ट करूँगा तो आई एज्यूम कि आपको न्यूमन प्रोजेक्शन आता है, तो इसको जब मैं न्यूमन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करूँगा तो इस तरीके से मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ, एक डॉट ड्रॉ करता हूँ। ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है बैक कार्बन, ये डॉट रिप्रेजेंट करता है फ्रंट कार्बन। आपको कुछ यहाँ पे अपनी आई को प्लेस करना है और यहाँ से देखना है, ठीक है, और पाँव आपको अपने ज़मीन पे रखने होंगे। इसके बेसिस पे जब देखोगे तो फर्स्ट कार्बन आपके लिए फ्रंट कार्बन होगा और सेकंड ऑब्वियसली आपके रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ होगा, तो दैट विल बी बैक कार्बन। तो सेकंड कार्बन को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे और फर्स्ट कार्बन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब जब तुम यहाँ से इस मॉलिक्यूल को देखोगे तो आपको ये तीन बॉन्ड्स फर्स्ट कार्बन पे दिखाई देंगे, एक तो सी एच का ये बॉन्ड, एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला, ठीक है। तो इस शेप को अगर आप ध्यान देते हो, शेप कौन सी है, ये शेप है रिवर्स वाई। तो फर्स्ट कार्बन पे मैंने शेप बनाई उल्टा वाई की शेप, ये शेप आपको फर्स्ट कार्बन की दिखाई देगी। और पीछे वाला जो कार्बन है उस पर भी शेप एग्जैक्टली यही की यही है, यानी अगर परफेक्टली मैं इसको ड्रॉ करूँ तो क्या होगा, पीछे वाला और आगे वाला दोनों सारे के सारे एटम्स एक दूसरे को ओवरलैप कर पाएंगे, पर ऐसे दिखा पाना सही नहीं रहेगा, मुझे पीछे वाले एटम्स भी दिखाने हैं। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, बैक वाले एटम्स को मैं थोड़ा सा रोटेशन करके दिखा दूंगा।
तो मैंने क्या किया, उनको इस फ्रंट बॉन्ड के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमा के दिखा दिया, यानी इस तरीके से मैंने रोटेट करके दिखा दिया। फ्रंट में जो एटम्स हैं वो एच हैं और बैक वाले भी एच हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो पर्टिकुलर फॉर्म हमने बनाई, दिस पर्टिकुलर फॉर्म इज एक्लिप्स्ड फॉर्म, एक्लिप्स्ड फॉर्म। अब देखिए ये हुआ पहला कन्फर्मर, ठीक है। अब मुझे नया कन्फर्मर इसका चाहिए, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे रोटेशन करना होगा। अब मैं रोटेशन किसको करूँ, मुझे एक्चुअली कार्बन जो ये डॉट है और ये सर्कल है इसके बीच में रोटेशन करना है, ठीक है। अब रोटेशन या तो मैं फ्रंट के हिसाब से कर सकता हूँ या बैक के हिसाब से कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मैंने फ्रंट वाले कार्बन को फिक्स रख दिया और एक तरह से पीछे वाला जो गोला है वहाँ मैंने फ़ैन की तरह, पंखे की तरह उसको चला दिया, तो ये पीछे वाली चीज़ घूमनी चालू हो जाएगी, आगे वाले को कुछ भी नहीं होगा, है ना। अब रोटेशन कितने एंगल से करें ये भी मैटर करता है, तो रोटेशन हम यहाँ पे करेंगे 60 डिग्री से, ताकि एक पर्टिकुलर डिफाइंड फॉर्म हमारे सामने आए, क्योंकि हमें दो ही तरह की फॉर्म बनानी होती है, एक्लिप्स या स्टेगर्ड। तो अब मैं क्या करूँगा, जब बैक वाले कार्बन को रोटेट करूँगा तो ऑब्वियसली फ्रंट को तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, फ्रंट जैसा है कि वैसा का वैसा रहेगा। बैक वाले बॉन्ड्स जो होंगे उनको मैं रोटेशन करूँगा, तो 60 डिग्री घूमने के बाद, ध्यान से देखिए 60 डिग्री घूम चुका है ये इस एच के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे एच आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इस एच के रिस्पेक्ट में वो एच 60 डिग्री यहाँ पे घूम चुका होगा, वो एच यहाँ पे आएगा, ध्यान से देखिए कितना डिग्री है, 60 डिग्री घूम चुका है। और दूसरे वाला एच जो है वो इसके रिस्पेक्ट में 60 डिग्री यहाँ तक घूम चुका होगा, ओके। सो इस तरीके से हमने दूसरा फॉर्म बनाया। ये जो सेकंड फॉर्म हमारे सामने आया, ध्यान से देखिए, दिस पर्टिकुलर फॉर्म इज स्टेगर्ड फॉर्म। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, स्टेगर्ड फॉर्म बोलते हैं। और ए और बी में स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी हो रही है, बी की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, एक्लिप्स और स्टेगर्ड में स्टेगर्ड इज मोस्ट स्टेबल। अब मान लो हम 60 डिग्री और इसमें रोटेशन करते हैं, तो टोटल रोटेशन कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। पर 120 घुमाने के बाद फिर से एक्लिप्स फॉर्म आ जाएगा। अगर आप ध्यान दें इस पर्टिकुलर एच पे, अगर मैं इसको 60 डिग्री और घुमाता हूँ तो फिर से ये फ्रंट वाले एच को ओवरलैप करेगा, ये जो एच है ये इसको ओवरलैप करेगा, ये जो एच है ये इसको ओवरलैप करेगा। तो आपने देखा इसके बाद से जो कन्फर्मर्स हैं वो रिपीट होने शुरू हो रखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रोटेशन करते हैं हम 60-60 डिग्री से, और नए नए कन्फर्मर्स आते रहते हैं। तो इस तरीके से नए नए कन्फर्मर्स बनाए जाते हैं। अब मान लीजिए मैं इसमें बनाता हूँ एनर्जी कर्व। तो देखिए एनर्जी कर्व अगर बनाना है, इस एनर्जी कर्व में वाई एक्सिस पे होता है कन्फर्मर का एनर्जी, है ना, और यहाँ पे होता है एंगल ऑफ रोटेशन। तो देखिए शुरुआत में एंगल ऑफ रोटेशन कितना है, जीरो, एंगल मतलब रोटेशन हुआ ही नहीं। और एनर्जी क्या होगी, एक्लिप्स की मैक्सिमम एनर्जी होगी। अब 60 डिग्री घुमाने के बाद स्टेबिलिटी पहले से बढ़ रही है, तो एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। फिर एनर्जी 60 डिग्री के बाद फिर से बढ़ेगी, फिर डिक्रीज होगी, फिर बढ़ेगी, एंड सोन ये कर्व चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ जो फॉर्म स्टार्टिंग में हमने लिया दैट फॉर्म इज एक्लिप्स फॉर्म, फिर जो हमने लिया दिस फॉर्म इज स्टेगर्ड फॉर्म, फिर दोबारा से क्या बना, एक्लिप्स फॉर्म बना, फिर दोबारा से क्या बना, स्टेगर्ड फॉर्म बना, और ये दिस विल गो ऑन। तो स्टेगर्ड की कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं एंगल ऑफ रोटेशन की बात करूँ तो यहाँ होगा 60 डिग्री, फिर यहाँ पे जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं रोटेट कर रहा हूँ उस तरीके से एनर्जी के चेंजेस आ रहे हैं। तो कन्फर्मर और जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है उसका सिग्निफिकेंस आपको इस चीज़ से पता लगा होगा। उसका सिग्निफिकेंस यही है कि यहाँ पे जब जब हम सिंगल बॉन्ड के बाद रोटेशन करते हैं तो एनर्जी जो होती है उसमें चेंजेस आते हैं, एनर्जी सिस्टम की कभी घटती है और कभी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब इस एनर्जी कर्व से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर हम ऑब्टेन कर सकते हैं, द पैरामीटर इज नोन एज रोटेशनल बैरियर। सो व्हाट इज रोटेशनल बैरियर, तो देखिए स्टूडेंट्स, रोटेशनल बैरियर इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन अक्रॉस अ बॉन्ड। इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन अक्रॉस अ बॉन्ड। एक बॉन्ड को घुमाने के लिए जितनी एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी उसको बोलते हैं रोटेशनल बैरियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक दीवार है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, एक दीवार है। अगर आपको ये दीवार कूदना है तो एक तरह से ये जो हाइट है ये हमारे लिए क्या हो गया, इसका बैरियर हो गया, है ना। मान लो दीवार और ऊंची है तो बैरियर और भी ज़्यादा होगा, है ना, तो एच डैश इज ग्रेटर देन एच, सिमिलरली ऐसा कुछ ही है। अब देखिए बॉन्ड को जब मैं रोटेट कर रहा हूँ तो एक्चुअल में बॉन्ड को रोटेट करते हुए एनर्जी के चेंजेस आ रहे हैं,
लेट अस से ये जो है इसको ग्राउंड लेवल मान लीजिए, और ये जो एक्लिप्स फॉर्म है इसको आप मान लीजिए दीवार। तो ये दीवार आपको पार करनी है। दीवार एक बार आपने क्रॉस कर लिया, हल्का सा भी इस एक्लिप्स फॉर्म से ज़्यादा एनर्जी आपको मिल गई, तो ऑटोमेटिकली आप ये दीवार क्रॉस कर जाएंगे, है ना। तो आपको इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जो मैंने यहाँ पे लिखा, विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेगर्ड एंड एक्लिप्स फॉर्म। ये गैप जो होगा, दिस इज़ एक्चुअली रोटेशनल बैरियर। इतनी एनर्जी सप्लाई अगर हो गई तो ये जो पहाड़ है ये चढ़ पाएगा एंड द रोटेशन विल कैरी ऑन। ये जो बैरियर इस पर्टिकुलर केस में होता है, ये होता है अप्रॉक्सीमेटली 12 किलो जूल पर मोल। 12 किलो जूल एक मोल के रोटेशंस करने के लिए रिक्वायर्ड होता है किसमें, इथिन में, है ना, इथिन में। तो आपने देखा अभी तक कि इथेन के किस तरीके से दो कन्फर्मर बनते हैं इंपॉर्टेंट, एक बनता है एक्लिप्स, एक बनता है स्टेगर्ड, और उसका एनर्जी कर्व कैसे बनता है और रोटेशनल बैरियर हम कैसे निकालते हैं। सो व्हाट इज़ रोटेशनल बैरियर? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्लिप्स फॉर्म एंड स्टेगर्ड फॉर्म। उनका जो एनर्जी लेवल है उनमें जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी नोन एज रोटेशनल बैरियर। आइए अब देखते हैं कन्फर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन, जिससे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो देखिए क्वेश्चन आपके लिए कुछ ऐसा है कि ड्रॉ द कन्फर्मर्स ऑफ ब्यूटेन अक्रॉस सी टू सी थ्री बॉन्ड रोटेशन, अक्रॉस सी टू सी थ्री बॉन्ड रोटेशन। ये बताना एक्चुअली बहुत ज़रूरी है कि किस बॉन्ड के बॉन्ड रोटेट करके हमें कन्फर्मर बनाने हैं, क्योंकि उन्हीं में से एक कार्बन को हम मानेंगे फ्रंट कार्बन और उसमें से दूसरे वाले को हम मानेंगे बैक कार्बन। आइए सबसे पहले हम फ्रंट और बैक के हिसाब से इसका सोहॉर्स प्रोजेक्शन बनाते हैं। सो हॉर्स प्रोजेक्शन में लेट अस से अपन ने सबसे पहले ये बना दिया है ना, हम एक्लिप्स या स्टेगर्ड किसी भी फॉर्म से स्टार्ट करते हैं, पर जनरली हम एक्लिप्स फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जो कार्बन है जो हमारी आई के रिस्पेक्ट में पहले आ रहा है, इस कार्बन को हम बोलेंगे फ्रंट कार्बन, और ये वाला कार्बन कौन सा होगा, बैक कार्बन। तो दिस इज सी टू एंड दिस इज सी थ्री। अब सी टू पे देखो क्या क्या जुड़ा है। सी टू पे जुड़ा हुआ है दो हाइड्रोजन एटम और एक मिथाइल जुड़ा हुआ है ना, तो ये मिथाइल मैंने बनाया और बाकी दो हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगा दिए। अब देखिए C3 जो होगा उस पर भी दो हाइड्रोजन है और एक मिथाइल है, तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने मिथाइल लगा दिया और यहाँ पे मैंने लगा दिए दो हाइड्रोजन एटम। अब इस बेसिस पे अगर मैं क्या करता हूँ, इसका कन्फर्मर ड्रॉ करता हूँ, तो देखिए कन्फर्मर स्टार्टिंग वाला जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये सर्कल आएगा, ये डॉट आएगा। आप खुद ही सोचिए सर्कल जो है वो क्या है। सर्कल इज़ कार्बन नंबर 3 और डॉट इज़ कार्बन नंबर 2। अब कार्बन नंबर 2 पे अगर देखा जाए तो शेप कुछ ऐसी आएगी, वाई शेप आएगी, और कार्बन नंबर 3 जो है उस पर शेप देखते हैं, उस पर भी शेप यही आएगी। पर आपने देखा कि मैंने कैसे उनको डायरेक्टली ओवरलैप ना करके थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमा के दिखा दिया, हल्का सा क्लॉकवाइज घुमा दिया, ठीक है। इस तरीके से पीछे वाले बॉन्ड्स को आप क्लियरली देख पा रहे होंगे और फ्रंट बॉन्ड्स को आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। अब देखिए इन एटम्स को हम प्लेस करते हैं, तो यहाँ पे मिथाइल है सी टू पे, तो इधर भी मिथाइल इधर ही होगा। इसके बाद देखो सी थ्री पे मिथाइल इसके जस्ट पीछे होगा, है ना। यहाँ पे सारे के सारे हाइड्रोजन एटम होंगे, तो ये होता है इसका साइड व्यू, मॉलिक्यूल का साइड व्यू है ये, है ना। तो अब ये जो फॉर्म हमने देखी, दिस इज एक्लिप्स फॉर्म। अब इस पर्टिकुलर एक्लिप्स फॉर्म को हम बोलते हैं फुली एक्लिप्स फॉर्म। ये पूरा एक्लिप्स फॉर्म होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें फ्रंट वाले बॉन्ड्स और बैक वाले बॉन्ड्स परफेक्टली मिथाइल मिथाइल के पीछे है, एच के पीछे एच है, एच के पीछे एच है, तो पूरा हर एक बॉन्ड हर एक एटम एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक्लिप्स कर रहा है, यानी ओवरलैप कर रहा है। अब रोटेशन चालू करते हैं, रोटेशन चालू करते हैं, तो 60 डिग्री रोटेशन हमने किया, तो ये मिथाइल यहाँ से इस पोजिशन पर आएगा, ये एच यहाँ से इस पोजिशन पर आएगा, और ये एच यहाँ से इस पोजिशन पर आएगा, है ना। तो फर्दर शेप मैंने बोला शेप बार बार कंटिन्यूसली चेंज होती है, तो शेप जो अब आएगी दैट शेप विल बी स्टेगर्ड फॉर्म। स्टेगर्ड फॉर्म में मिलेगी, ये मिथाइल यहाँ पहुँच जाएगा, ये मिथाइल फ्रंट वाले बॉन्ड को हम नहीं छेड़ रहे हैं, फ्रंट वाले एटम्स को हम नहीं छेड़ रहे हैं, बैक वाले को ही रोटेशन कर रहे हैं। यहाँ पे एच पहुँच गया, यहाँ एच पहुँच गया। इस केस में अगर ध्यान दें तो शेप तो इसकी स्टेगर्ड है, पर जो फ्रंट वाला मिथाइल और बैक वाला मिथाइल है इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो ये जो पर्टिकुलर फॉर्म होती है इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टेगर्ड फॉर्म, पर जिस स्टेगर्ड फॉर्म में ये एंगल 60 डिग्री आता है, इस एंगल को एक वर्ड भी दिया जाता है, दिस एंगल इज नोन एज डाईहेड्रल एंगल। तो व्हाट इज डाईहेड्रल एंगल? इट इज़ द एंगल बिटवीन वन ग्रुप ऑफ द फ्रंट एंड अदर ऑफ द बैक। फ्रंट के एक ग्रुप में और बैक के एक ग्रुप के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे डाईहेड्रल एंगल। अगर ये डाईहेड्रल एंगल 60 डिग्री का है तो इस फॉर्म को बोला जाएगा गॉश। आइए रोटेट करते हैं इसको और ज़्यादा, मान लीजिए 60 डिग्री इसको रोटेट किया फिर से, तो ओवरऑल रोटेशन हुआ 120 डिग्री। ऐसे केस में शेप जो होगी फिर से क्या आएगी, फुली एक्लिप्स। तो देखिए फुली एक्लिप्स फेस शेप कैसी होगी।
सॉरी फुली एक्लिप्स नहीं होगी, एक्लिप्स शेप होगी। अब इसमें जो मिथाइल है वो यहाँ पहुँच जाएगा पीछे वाला, फ्रंट वाले को कुछ भी नहीं छेड़ेंगे अपन, बाकी सारे आइटम वैसे के वैसे होंगे। तो ध्यान दीजिए इसमें भी एक्लिप्स फॉर्म आ रही है, पर क्या ये एक्लिप्स फॉर्म फुली एक्लिप्स है या पार्शियल एक्लिप्स है? अगर आप ध्यान दें, एच के पीछे कौन है? मिथाइल। अब मिथाइल बड़ा है छोटा है, तो मिथाइल को एच कैसे पूरा एक्लिप्स कर पाएगा? तो इसको अब हम फुली एक्लिप्स की बजाय क्या बोलेंगे? पार्शियल एक्लिप्स। इन्हें एक्लिप्स दो तरह के होते हैं, फुली एंड पार्शली। मान लीजिए अब हम फिर से 60 डिग्री रोटेशन करते हैं, तो फिर से हमें शेप जो मिलेगी गर्ल्स एंड बॉयज़, वो शेप फिर से अपने को क्या मिलेगी? स्टैगर्ड फॉर्म मिलेगी। अब स्टैगर्ड फॉर्म हमें मिलेगी तो मिथाइल देखिए घूमने के बाद यहाँ पे पहुँच चुका है, फ्रंट वाला मिथाइल वहीं के वहीं होगा। इस केस में देखिए स्टैगर्ड फॉर्म में जो मिथाइल और मिथाइलिन के बीच में डायहेड्रल एंगल कितना होगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री। ध्यान से देखिए ये एंगल कितना है, दिस पर्टिकुलर एंगल इज 180 डिग्री। ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को बोलते हैं एंटी फॉर्म। व्हेन द स्टैगर्ड फॉर्म हैज 180 डिग्री डायहेड्रल एंगल, इट इज नोन एज एंटी फॉर्म। एंटी का मतलब क्या होता है? परफेक्टली अपोजिट। अब अगर मैं इसको फर्दर 60 डिग्री रोटेशन करता हूँ तो मुझे फिर से कौन सी फॉर्म मिलेगी? यही फॉर्म रिपीट हो जाएगी। व्हाट वी गेट इज अगेन पार्शियली एक्लिप्स फॉर्म, है ना? तो 180 डिग्री के बाद जो भी फॉर्म आ रही है वो दोबारा से रिपीट हो जाएंगी, है ना? तो इसीलिए उनको दोबारा से आगे आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ड्रॉ करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली क्या बनने वाला है, यानी इसके बाद कौन सी फॉर्म बनने वाली है? पार्शली एक्लिप्स बनने वाली है। उसके बाद कौन सी फॉर्म बनेगी? गॉश। एंड फाइनली व्हाट वी गेट इज फुली एक्लिप्स फॉर्म। अब इन सब में स्टेबिलिटी की बात करें तो देखिए सबसे स्टेबल फॉर्म जो होगी वो कौन सी होगी? एंटी फॉर्म, जिसमें सारे ग्रुप मैक्सिमम दूरियों पे होंगे। एंटी के बाद कौन सी फॉर्म आएगी? गॉश फॉर्म। अब फुली एक्लिप्स और पार्शियल एक्लिप्स में अगर आप ध्यान दें तो जो फुली एक्लिप्स है इसके अंदर रिपल्शंस क्या होंगे? ज़्यादा, तो इसकी स्टेबिलिटी लोवेस्ट रहेगी। तो इसलिए इसके बाद आएगा पार्शियली एक्लिप्स और उसके बाद आएगा फुली एक्लिप्स, यानी फुली एक्लिप्स जो होगा ये होगा लीस्ट स्टेबल, इसकी स्टेबिलिटी लोवेस्ट होगी, है ना? अच्छा, इन सारी फॉर्म्स के अलावा जो इन्फाइनाइट फॉर्म्स, जैसे मान लो मैंने 30 डिग्री रोटेट किया फिर एक फॉर्म आई, 40 डिग्री किया तो एक फॉर्म आई, इस तरह की हज़ारों लाखों फॉर्म्स जो रेंडमली बनती हैं, इन फॉर्म्स को बोला जाता है स्क्यू कन्फर्मर्स। क्या बोलते हैं इनको? स्क्यू कन्फर्मर्स। अब देखिए इस केस में अगर हम इसका एनर्जी कर्व ड्रॉ करते हैं तो आइए देखते हैं एनर्जी कर्व इसका कैसा ड्रॉ होगा। तो देखिए इसका जो एनर्जी कर्व होगा वो कुछ इस शेप का होता है, समथिंग लाइक दिस, इस तरह की शेप का एनर्जी कर्व होता है। सबसे पहले बिना किसी रोटेशन के पहली जो शेप होती है वो होती है फुली एक्लिप्स। 60 डिग्री रोटेट करने के बाद जो फॉर्म आती है वो आती है गॉश, जिसमें एनर्जी कम होती है पर बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होती। फिर 60 डिग्री रोटेट करने से एनर्जी बढ़ती है पर उतनी नहीं बढ़ती, क्योंकि पार्शली एक्लिप्स की स्टेबिलिटी फुली एक्लिप्स से ज़्यादा है, तो ये जो लेवल है ये उस लेवल से थोड़ा लेस है। और फुली पार्शली एक्लिप्स के बाद 60 डिग्री के बाद जो फॉर्म आती है वो कौन सी आती है? एंटी। ये सबसे स्टेबल फॉर्म है, इसका जो एनर्जी लेवल होगा ये गॉश के कंपेरेटिवली काफ़ी कम होगा। एंटी के बाद फिर चीज़ें रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं, गॉश के सामने गॉश आता है ना, सॉरी पार्शियल एक्लिप्स के सामने पार्शियल एक्लिप्स आता है, गॉश के सामने गॉश आता है, और फुली एक्लिप्स के सामने फुली एक्लिप्स आता है। यानी जो लेफ्ट में है एंटी के वही सेम का सेम कहाँ आ रहा है? राइट में आ रहा है। अब इस केस में अगर मैं रोटेशनल बैरियर की बात करूँ तो इस कर्व का मैक्सिमा ये है और मिनिमा यानी ग्राउंड लेवल ये है और दीवार यहाँ तक है, दीवार अपने को क्रॉस करनी है, तो ये बैरियर इस केस में आएगा। इसकी वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में होती है 19 किलो जूल पर मूल, यानी पहले लेवल 12 था अब कितना हो गया? 19, यानी बैरियर पहले से इंक्रीज़ हो रहा है। भाई क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि ग्रुप्स बढ़ रहे हैं, ग्रुप्स बढ़ रहे हैं तो रिपल्शंस बढ़ रहे हैं, टॉर्जनल स्टेरिक सारे रिपल्शंस बढ़ रहे हैं, है ना? इसलिए बैरियर भी यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। आइए अब देखते हैं एक प्यारा सा क्वेश्चन। इस प्यारे से क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है CH2 CH2, और यहाँ पे दिया है लेट अस से OH, और यहाँ पे दिया है OH, और आपसे बोला गया कि इसके अक्रॉस कार्बन कार्बन बॉन्ड के रोटेशन के अक्रॉस सबसे स्टेबल कन्फर्मर ड्रॉ कीजिए। तो देखिए अगर इसके अक्रॉस हमें रोटेशन करना है तो इस कार्बन को मान लेते हैं फ्रंट कार्बन, इसको मान लेते हैं बैक, इसके बेसिस पे हम फॉर्म बना लेते हैं स्टेगर्ड, क्योंकि स्टेगर्ड फॉर्म हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ मैंने शेप लिया उल्टा वाई और यहाँ शेप मैंने लिया वाई। अब देखिए अब जो ये कार्बन होगा इस कार्बन पे क्या क्या जुड़ा है? दो हाइड्रोजन एंड OH, तो लेट अस से मैंने यहाँ पे OH लगाया और यहाँ पे मैंने लगाए दो हाइड्रोजन एटम, ठीक है?
अब यहाँ पे जो कार्बन है, नॉर्मली मैं क्या करता है, इस OH को इस OH के अपोजिट लगाता ताकि रिपल्शन मिनिमाइज होते, पर इस पर्टिकुलर केस में OH को मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा ताकि रिपल्शन क्या हो, मिनिमाइज हो, बल्कि इनफैक्ट यहाँ पे क्या होता है, इस पर्टिकुलर गॉश फॉर्म में जो H है इस पे डेल्टा प्लस है अच्छा खासा, और ओ पे डेल्टा नेगेटिव है। इस माइनस और पॉजिटिव को, नेगेटिव पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग, समझ गया सभी। तो इस बेसिस पे अगर ध्यान दिया जाए तो ये जो गॉश फॉर्म है दिस इज मोर स्टेबल देन एंटी ड्यू टू इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग। नहीं तो जनरली जो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है वो कौन सी फॉर्म स्टेबल होती है, एंटी फॉर्म। तो आपने देखा जनरली एंटी फॉर्म इज मोर स्टेबल, लेकिन जब एच बॉन्डिंग हो जाए तो गॉश फॉर्म इज इवन मोर स्टेबल। आइए लेट अस रिवाइज एंड रिवाइव व्हाट वी लर्न सो फार इन कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स हमने ये देखी कि पाई बॉन्ड के अंदर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है एंड सिग्मा बॉन्ड के अंदर फ्री रोटेशन होता है। तो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स की बात हम तभी करेंगे जब सिंगल बॉन्ड्स होंगे, डबल बॉन्ड्स में इसकी बात नहीं होगी, है ना। इस तरह की इन्फाइनाइट फॉर्म जो सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन करने से बनती है उनको बोला जाता है कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। अब इसमें दो एक्सट्रीम फॉर्म्स हमारे सामने आती है, एक आती है एक्लिप्स फॉर्म, एक आती है स्टेगर्ड फॉर्म। एक्लिप्स फॉर्म और स्टेगर्ड फॉर्म में अगर आप ध्यान दें तो एक्लिप्स की स्टेबिलिटी कम होती है क्योंकि इसमें टॉर्जनल स्ट्रेन भी होता है और वॉन्डर वॉल यानी स्टेरिक साइज की वजह से भी स्ट्रेन होता है। इसमें टॉर्जनल स्ट्रेन जो होता है, जो बॉन्ड पेयर की वजह से होता है, वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है। स्टेरिक स्ट्रेन विल इंक्रीज विद साइज। फिर हमने देखा इथेन के कन्फर्मर कैसे बनाते हैं, है ना। कहीं भी कन्फर्मर बनाए जाएँ तो हमें ये देखना होता है कि किस बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन करना है। पहले उसका हम बनाएंगे सोहॉर्स, फिर उसका कन्वर्जन करेंगे हम किस में, पर्टिकुलर एक फॉर्म में, न्यूमन प्रोजेक्शन में, और फिर धीरे धीरे रोटेशन करेंगे। रोटेशन करेंगे तो कितना डिग्री से, 60 डिग्री से रोटेशन करेंगे। फिर हम इसका एनर्जी कर्व ड्रॉ करेंगे, उसमें फिर हम रोटेशनल बैरियर निकालेंगे, विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा इन पोटेंशियल एनर्जी कर्व। फिर हमने ब्यूटेन में देखा कि कई तरह की फॉर्म आई, स्टेगर्ड फॉर्म भी दो तरह की होती है और एक्लिप्स भी दो तरह की होती है ना। जनरली एंटी की स्टेबिलिटी गॉश से ज़्यादा होती है, लेकिन उन केसेस में जो मैच बॉन्डिंग हो जाए उसमें गॉश फॉर्म विल बी मोस्ट स्टेबल। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।